क्या शानदार इनिंग रही है ब्रेसवेल की, और कहीं ना कहीं एंड ये इनिंग बहुत सारी इनिंग्स की याद दिलाती है। अगर बात करें अब टर्नर याद होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में, जहां पर ऑलमोस्ट लगा था कि शायद इंडिया इस मैच को आसानी से जीतता, और टर्नर ने पूरा मैच टर्न कर दिया। वो बात और थी कि वो पूरा मैच जिता कर ले गए थे, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ब्रेसवेल फिनिश लाइन क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहे। उसके बाद एक और इनिंग याद आई सैम क्यूरन की इंग्लैंड के, जी हाँ फॉकनर की, तो ये इस तरह की काफी यादगार कहीं ना कहीं इस इनिंग में देखने को मिली। लेकिन एट टाइम और एक मैक्सवेल की भी इनिंग रही थी जब इंडिया में आकर उन्होंने सिंगल हैंडली शतक मार के मैच जिताया था, एंड व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो कई सारे इनिंग्स यहाँ पर याद आ गया अचानक से, एक आप कह सकते हैं मेमोरी डाउन लाइन हो गया आज। तो खैर इस मैच की अगर हम बात करें ओवरऑल तौर पर, तो कहीं ना कहीं कहना होगा कि बहुत सारी लूप होल्स जो है वो क्लियरली निकल कर सामने आए हैं, अगर आप इंडियन टीम की बात करें और न्यूजीलैंड की भी अगर आप बात करें, तो खास करके देखते हुए कि वर्ल्ड कप जो साल है पहले बैटिंग किया है, आज इंडिया ने और बहुत बड़ा टारगेट 348 का जो टारगेट है वो लगाया, 49 का टारगेट है और 8 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर पूरे खेलकर लगाया, लगभग 350 का जो टारगेट है वो यहां पर निजात के रखा। बैटिंग की अगर मैं बात करूं खास करके यहाँ पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल जब ओपनिंग करने के लिए आए, तो इस फेस को आप किस तरह से देख रहे हैं, विराट कोहली आज जल्दी बोल्ड हो गए, लेकिन शुभमन गिल की इनिंग खास करके क्यों क्या ऐसा है अलग रहा, इनका डबल सेंचुरी जरूर मारी है लेकिन क्या इनकी इनिंग में आपको ज्यादा इंप्रेस करने में कामयाब रहा? नहीं जरूर, देखिए जिस तरीके से उन्होंने क्लास दिखाई, खासकर क्लास एक्ट उनकी इनिंग से जरूर आई। देखिए आप सूर्य कुमार यादव को देखेंगे खेलते हुए तो वो काफी ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, जो अमूमन देखा नहीं जाता क्रिकेट में, आजकल तो बहुत देखा जाता है, T20 में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें टिपिकल क्रिकेट शॉट देखे जाते हैं, जो क्रिकेट क्या अगर स्कूल होता तो क्रिकेट स्कूल्स में यही शॉट्स आपको सिखाए जाते हैं जो शुभमन गिल खेलते हुए नजर आते हैं। इस तरीके के शॉट है, ड्राइव कवर ड्राइव लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से, डाउन द ग्राउंड जबरदस्त वी में खेलना, तो ये सब चीजें हैं जो क्रिकेटिंग बुक्स में होती है, और ये शॉट उन्हें बखूबी शुभमन गिल इसी तरीके से आज जो शानदार इनिंग खेली है उन्होंने, वाकई में पुल भी मारते हैं वो मिड विकेट की तरफ से, बेहतरीन शॉट नजारा होता है, वो देखने लायक शॉट होता है जब भी वो खेलते हैं, अमूमन बहुत शॉट्स को खेलते हैं, जबरदस्त इनिंग रही है उनकी, तेज तरार भी है, 149 बॉलों में 208 रन किए हैं, जबरदस्त स्ट्राइक रेट रही है उनकी, वाकई शानदार इनिंग रही है, जितनी तारीफ की जाए उतनी बिल्कुल कम, इसमें कोई दरार नहीं है। पांचवें इंडियन वो बनते हैं कहीं ना कहीं डबल सेंचुरी लगाने वाले ओडीआई में, और अगर आप बात करें दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर, दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर वो बने हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है ओडीआई में, ये रिकॉर्ड अपने आप में बहुत ज्यादा शानदार है, और देखना होगा कि कौन से यंग प्लेयर हैं जो आकर इस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं ओडीआई में, ये देखने वाले एक बहुत ही अच्छा, अभी ईशान किशन ने लगाया था, उसके बाद यहाँ पर शुभमन गिल डेफिनेटली पिच में बहुत ज्यादा रन थे, वो क्लियर था, पिच फ्लैट थी, पिच बेल्टर थी, उस पर जरूर आएंगे, बहुत ज्यादा पिच हेल्प कर रही थी कि आइए आप मेरे पे रन निकालिए, डेफिनेटली विराट कोहली यहाँ पर अनफॉर्चुनेट होंगे कि आज वो आउट हो गए, इस पिच पे वो काफी रन यहाँ पर निकाल सकते थे, पिच डेफिनेटली बैट्समैन को बहुत हेल्प करी थी, लेकिन फिर भी आखिर आपको वहां पर पिच पे खड़े रहकर 150 बॉले खेली शुभमन गिल ने, 150 बॉले खेलना भी अपने आप में एक आर्ट है, ढाका लगभग 25 ओवर बैटिंग उन्होंने अपनी इस इनिंग में आज की है, तो बहुत शानदार बेहतरीन इनिंग रही है, काफी सबसे अच्छा लगा क्योंकि शॉट्स जो है वो बड़े बकवास है, अगर ऐसे लग रहा था कि कुछ भी खेल रहे हैं, ये कैटेगरी के सेंचुरी नहीं थी, ये कुछ डिफरेंट था, और अच्छे शॉट्स देखकर ज्यादा यहाँ पर खुशी हुई। इसके बाद रोहित शर्मा सेकंड सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, 34 रन उन्होंने किए, लेकिन ओवरऑल टीम का स्कोर तब तक बहुत ज्यादा लग चुका था। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें न्यूजीलैंड के, तो डेफिनेटली पिच काफी ज्यादा फ्लैट नजर आई, काफी बेल्टर नजर आई, काफी रन निकले वो न्यूजीलैंड की बैटिंग समय में देखने को मिला, लेकिन बॉलिंग में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ सीनियर प्लेयर्स की कमी खल रही लगता है? नहीं जरूर खल रही है, देखिए सेकंड स्ट्रिंग बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है, आप ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी के बिना उतर रहे हैं, तो यहाँ पर जरूर दारोमदार है, कोई भी इतना एक्सपीरियंस बॉलर है नहीं इस लाइनअप में, अगर हम बात करें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस जिसको इंडिया कंडीशन का इतना एक्सपीरियंस हो, लॉकी फर्ग्यूसन थोड़ा बहुत खेले, सोडी है नहीं स्क्वाड में, माफ कीजिएगा लाइन 11 स्क्वाड में तो जरूर है, डगआउट में बैठे थे, और सैटनर को थोड़ा एक्सपीरियंस है तो वो वहाँ पर थे, लेकिन आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए जब इतनी बड़ी टीम आपके सामने हो तब, और अभी भी न्यूजीलैंड को इनकी जरूरत है ट्रेंट बोल्ट और साउथी की, ये तो साफ है, क्योंकि इस पिच पर आप करा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि इतना कम से कम स्कोर ना हो जिस तरीके से आपके बॉलर्स इतने ज्यादा एक्सपेंसिव गए हैं, बहुत खराब बॉलिंग हुई है, लाइन बहुत खराब, लेंथ काफी खराब थी, लेंथ खासकर बहुत खराब रही है,
अगर लाइन से ज्यादा लेंथ को अगर हम कहें तो काफी खराब रहेगी। बिल्कुल, तो वही अगर बात करें दूसरी तरफ, जी हाँ, वहां पर लाइन लेंथ सब कुछ बहुत कुछ खराब है। उधर भी बॉलिंग की बात करें तो हमने कहा कि वर्ल्ड कप इस साल है, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही की बहुत सारे पोल जो यहाँ पर खुलती हुई नजर आती है। तो क्लियर पता चलता है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक आध न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स है वो ना हो तो कितना ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। वैसे ही इंडियन बॉलिंग अटैक की भी बात आगे जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब चेस करने के लिए न्यूजीलैंड उतरी है तो डेफिनेटली एक वक्त पर ऐसा लगा कि शायद ये मैच जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और लगातार 3-4 विकेट गिरे। पहला जो पार्टनरशिप है वो काफी लंबा गया, उसके बाद अगर हम देखें तो जो 70 रन पर जो है दूसरा विकेट गिरा टीम का, और उसके बाद देखते ही देखते 100 रन के अंदर अंदर लगभग 3-4 विकेट गिर गए। शुरू के दोनों शॉर्ट बॉल्स के शिकार हुए, उसके बाद की अगर बात करें दोनों बेहतरीन स्पिन बॉलिंग यहाँ पर कुलदीप यादव देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कौन से एक प्लेयर ऐसे रहे हैं जिनकी इनिंग से आपको लगता है कि शायद उनकी तरफ से एक स्टेप अप होना चाहिए था, न्यूजीलैंड शायद इस मैच को चेस करके जीत सकता था? ऑफ कोर्स टॉम लैथम, उनका एवरेज जो है वो बहुत बहुत जबरदस्त है इंडिया के खिलाफ। जी हाँ, 60 अबव का एवरेज है उनका, तो उनकी इनिंग यहाँ जरूर आनी चाहिए थी जिस तरीके की वो इंडियन कंडीशन को बहुत अच्छा खेलते हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा था, आई थिंक दोनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने जबरदस्त हाफ सेंचुरीज भी बनाई थी लगातार। एक टेस्ट मैच में दोनों इनिंगों में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी, एक से शतक से चूक भी गए थे। पर वो है काफी बेटर वो इंडियन कंडीशन को स्पिनर्स को खेल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने 46 बॉलें खेली हैं, बैटिंग फ्रेंडली विकेट था, थोड़ा समझना जरूर चाहिए था लैथम को वहां पर भी कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो मैं जरा गैप ढूंढता हुआ चलूं तो बेहतर होता, प्रेशर थोड़ा कम जरूर होता। आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है मैच में, लेकिन आप बनाकर चलते पहले से तो आपको मौके मिल सकते थे। अदर प्लेयर्स ने तो बिल्कुल ही साथ नहीं दिया, कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर बात करें हम हेलन निकॉल्स की, डैरिल मिचेल की, किसी ने भी साथ नहीं दिया, कॉनवे भी आउट हो गए। पर लैथम जो कि अच्छा करते हैं इंडिया के खिलाफ, उन्हें जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें शुरुआत भी मिली थी, ऐसा नहीं कि वो एक आध रन पे आउट हो गए थे, शुरुआत उन्हें मिली थी। उसके बाद बात करें अगर तो उसके बाद जो इनिंग आई है, जी हाँ, जो इस मैच में जान डाली है और इतने लेट तक इस मैच को पहुंचाया है वो है ब्रैसवेल और सैंटनर की जो इनिंग्स रही है। सैंटनर की इनिंग्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, 45 बॉल 57 रन लगाए, एक तरफ से उन्होंने भी हिटिंग वहां पर रखी, लेकिन ब्रैसवेल की जो इनिंग रही है एट द एंड 140 की उनकी इनिंग रही है और लास्ट तक उन्होंने कोशिश की। लास्ट बैट्समैन भी वो खुद आउट हुए जब यहाँ पर पहली बॉल पर छक्का मारने के बाद स्कोर जब 5-14 हो गया तो उसके बाद लगा कि ये लगता है कि ये मैच जो है ब्रैसवेल डेफिनेटली अपने हीरोइक इनिंग से ले जाएंगे, लेकिन एक बेहतरीन यॉर्कर जो है यहाँ पर सरदार ठाकुर की, उसके बाद 13 रन से इंडिया इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। एंड ब्रैसवेल ने ऐसा क्या किया जो न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर नहीं कर पाए? नहीं, जरूर देखिए उन्होंने हिटिंग्स की है लगातार करते रहे, और एक कहना होगा ये तो डेफिनेटली है, आप क्रिकेट में है इसको मत भूलिए कि लक एक बहुत बड़ी चीज होती है। जी हाँ, तो वो यहां तक थी, लक जरूर उनके फेवर में जा रहा था कि जो बॉल वो क्लिक करें पहली बॉल पे उनका स्टंप भी निकल सकता था। ये क्रिकेट ऐसा ही गेम है, आज उनका लक था कि उन्होंने इतने करने ही करने थे रन, और ये जरूर है। और लक भी एग्जैक्टली उसी वहां पे साथ दिया क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स है, इसको भूलना नहीं चाहिए था अदर बैट्समैन के, न्यूजीलैंड के ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट। और लैथम ने खुद ही कहा था कि हम बॉलिंग ही करना चाहते थे पहले, टॉस हारी थी आज न्यूजीलैंड, फिर भी उन्होंने कहा था कि हम बॉलिंग ही करना चाहते हैं, वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट था, दिख रहा था साफ टॉस के समय। तो इतना स्कोर ऐसा नहीं था कि अरे अरे बाप रे क्या हो गया, क्या खड़ा कर दिया इंडिया ने, ऐसा स्कोर नहीं था। जरूर ये हाँ बड़ा स्कोर था, पर ऐसा नहीं कि अचीवेबल नहीं था। लेकिन देखिए माइकल ब्रैसवेल ने जो हाल किया है बॉलिंग लाइनअप का, कोई इसका जवाब ही नहीं है उनके सामने। बिल्कुल, तो क्लियर कट है, और आप न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर में यहाँ पर इसका दोष दें कि हार के सबसे बड़े रीजन अगर कोई रहे हैं, भले वो क्लोज हार हो तो क्लियर कट है न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर डेफिनेटली रन्स भर भर के पिच पे मौजूद है। सुमन गिल ने 200 अपने लिए निकाल लिए, रोहित ने अपने लिए 30 निकाल लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर के पास, उसके बावजूद भी बहुत कुछ था स्पिन से निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इनिंग को अपने कन्वर्ट नहीं किया एक बड़ी इनिंग की तरफ जो ब्रैसवेल और सैंटनर ने कहीं ना कहीं किया। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा रिकॉर्ड का पहाड़ चढ़ चुका था और उन्हें अननेसेसरी रिस्क लेना पड़ा, और जिसके कारण वो एट द एंड 13 रन से हार गए। एंड बॉलिंग की यहां बात जरूर करेंगे। चलिए, पिच फ्लैट है, बेल्टर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन लाइन और लेंथ जो है वो तो आपके हाथ में कम से कम है, लेकिन लगातार वाइड्स 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 शर्मा ठाकुर का ओवर ही समझ नहीं है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने, सिराज इसके एग्जांपल है, आप उनसे कह सकते हैं 10 ओवर क्या उनके लिए पिच फ्लैट नहीं थी, क्या उनके लिए बैटर नहीं था? ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि फ्लैट विकेट्स पे बॉलिंग नहीं होती। सिराज ने कैसे करा दी भाई उसी पिच पे? आप उनका इकोनॉमी देखिए, मैडल्स देखिए और विकेट देखिए। बिल्कुल, अभी नसीम शाह ने भी कुछ टाइम पहले फाइफर निकाला था, बिल्कुल फ्लैट डेक पे, और सेम एज सिराज ने भी इसी तरीके का परफॉर्म किया है, जबरदस्त। इससे इनसे सीखना चाहिए बाकी बॉलर्स को, क्या धुनाई हुई है आज बाकी बॉलर्स की, बड़ा
अब बहुत बुरा हश्र हुआ है। शार्दुल ठाकुर कहाँ वाइड डाल रहे हैं, हार्दिक पांड्या को तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो तो खैर पांडे जितना बड़ा फॉर्मेट होता चला जाएगा उतना उनका लेवल गिरता चला जाएगा। और डेलिब्रेट ने मेरे ख्याल से एक साल पहले भी कहा था और अब भी उसी में कायम है, हार्दिक पांड्या बहुत ओवररेटेड प्लेयर है। बिल्कुल बिल्कुल वो तो है ही, खैर खैर वो छोड़िए उनके बारे में। और उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट छोड़िए नहीं, वर्ल्ड कप में यही सब चीजें बड़ी खामियां होती हैं और इससे वजह से इंडिया कभी लीग राउंड से तो कभी सेमीफाइनल से बाहर हो जाता है क्योंकि इस सब में ध्यान ही नहीं दिया जाता, इसको हवा में उड़ा दिया जाता है। और यहाँ पर शार्दुल ठाकुर, एक चीज जरूर है, बॉलिंग बॉलर्स में डिसिप्लिन की बहुत कमी है। जी हाँ, पहले नो बॉल में अर्शदीप सिंह ने क्या किया, नो बॉल पे नो बॉल डालते चले गए और आज शार्दुल ठाकुर वाइट पे वाइट डालते चले गए। 11 प्लस वाइटें आज डाली है इंडियन टीम ने, लग नहीं रहा है इंटरनेशनल टीम की एक परफॉर्मेंस है बॉलिंग लाइनअप की। चलिए आप पिट रहे हैं, धुनाई हो जाइए, छक्का खाइए, चौका खाइए, कुछ भी करिए, लेकिन वाइट नो बॉल ही तो आपके हाथ में है। वो फ्लैट पिच नहीं कहता भैया मैं इतना फ्लैट हूं कि आपको वाइट डालनी है, ये आपके हाथ में है। तो ओवरऑल बॉलिंग दोनों तरफ से काफी ज्यादा खराब रही है, बहुत खराब रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात डिफेंड करने एज अ होम कंडीशन डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा, उसके बावजूद भी ऐसी शुरुआत मिल गई कि 100 के अंदर लगभग आधी टीम बदल गई, दूसरी आपकी ऑपोजिशन लौट गई, 350 का आपके साथ चेज है। ओवरऑल इस मैच को 13 रन से जीतने में कामयाब जरूर रहा इंडिया और 1-0 की लीड यहां पर ले ली है। दो मैचेस और बचे हैं, देखना होगा क्या शानदार किस तरह से क्या न्यूजीलैंड जबरदस्त वापसी कर पाता है या फिर नहीं, या फिर ये अगले ही मैच में सीरीज का जो है बुक वो हो जाएगी। ओवरऑल हाइलाइटेड रहे हैं सुमन गिल और माइकल ब्रैसवेल, ये न्यूजीलैंड इस मैच से जरूर कमाया है कि सुमन गिल होता है पूरा का पूरा इस हाइलाइट इस मैच का, लेकिन सुमन गिल और माइकल ब्रैसवेल वैसे ही गिने जाएंगे जैसे एस्टन टर्नर रहे हैं, सैम क्यूरन रहे हैं और अगर बात करूं जेम्स फॉकनर भी रहे हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना, एक जबरदस्त मैच जरूर देखने को यहां पर मिला जहां पर 650 के आसपास रन बन गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एनालिसिस पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।